अरे महाशय रेशमा से वंस अगेन अनिवासी सन सिंह ये सो आज का जो चैप्टर है इसका नाम ऐसे बोल सकते हैं, इसको रीड कीजिए बस। आ आ अ यो 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 हाँ ये थोड़ा टेक्निकल है एकदम, ये इसको बस रीड कीजिए। ये इनफॉर्मल वर्ब में यूज करते हैं फाइनल एंडिंग के लिए, ठीक है? इतना समझ लीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे सेंटेंस प्रैक्टिस में तो क्लियर होगा। यहाँ से यहाँ तक रीड कीजिए। आ ए यो दिस इनफॉर्मल स्टाइल वर्ब फाइनल एंडिंग इज अ इट्स हेड टू अ वर्ब स्टीम एंड इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन कन्वर्सेशन विथ क्लोज फ्रेंड्स. वर्ब स्टीम एंडिंग इन आओ शुड बी चेंज टू आयो वर्ब स्टीम एंडिंग इन ओ उ टू आर यू एंड वर्ब स्टीम एंडिंग इन आर टू यो यो व्हेन द कोपला इदा इज कम्बिन्स विथ दिस एंडिंग यू मस्ट यूज ई ए यू. ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो ग्रामर है, ये ज्यादातर हम लोग क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं ना, बात करते समय हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है? यूज्ड फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ज्यादा हम लोग जो है यूज करते हैं बात करते समय, कन्वर्सेशन में बात करते समय, क्लोज फ्रेंड जो आपका बहुत ही करीबी दोस्त है उसके साथ बात करते हैं, मतलब जिससे बचपन से ही आप जानते हैं उसको, है ना? तो इसमें थोड़ा टेक्निकल कह सकते हैं चीज की, जो लास्ट में वर्ब का स्टेम मतलब वर्ब का जो वर्ड होगा, वो वर्ड का जो लास्ट अल्फाबेट होगा, अगर वो आ से एंड हो रहा है या ओ से एंड हो रहा है तो वो चेंज हो जाएगा आयो में, ठीक है? ओके उसके बाद वर्ब स्टेम ओके जो होगा, वर्ब स्टेम मतलब जो लास्ट वर्ब होगा, क्रिया होगा, क्रिया, ठीक है? उसका लास्ट एंडिंग होगा, लास्ट अल्फाबेट होगा औ उ ओ, वो चेंज हो जाएगा ओयो में, ठीक है? ये आयो में, ये ओयो में। उसके बाद कह रहा है कि जब वर्ब स्टेम एंडिंग, जब एक और वर्ब होगा जिसका एंड होगा हा से, ठीक है, हा से, वो चेंज हो जाएगा योयो में, ठीक है? ये है, एक कपुला है, इसका मतलब जो है सेंटेंस में आपको मिलेगा, ईदा है, इसको कंबाइंड विद दिस एंडिंग होता है तो उसके साथ हम लोग ये यूज करते हैं। ये रेयरली यूज होता है, ठीक है? ये जस्ट ऐसे लिख दिया हूँ, रेयरली यूज होता है, लेकिन बाकी ये तीनों का यूज होता है, ठीक है? तो ये देखते हैं कैसे यूज करना है इसको, ठीक है? वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, कैसे होता है। आप बुक में है ये सब चीज, आप एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा, ठीक है? तब तक हम लोग देखते हैं सेंटेंस प्रैक्टिस, ठीक है, यूनसा जिससे हम लोग को क्लियर होगा कैसे यूज करना है, ठीक है? आइए पहला सेंटेंस रीड कीजिए। आई गो टू वॉच अ मूवी विथ माय फैमिली. रीड कीजिए कोरियन। खासुक थुल गुआ गुआ खाथी. इसको मैंने बताया था पिछले क्लास में, क्या बोलना है, याद है? गाथी नो, ये छो, ये थो जो है छो हो जाता बोलते समय, ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे गाछी। गाथी हाँ हमेशा याद रखिएगा। ओके खाओ चलिए। कुछ खाओ गाछी. अमिंग हुआ के लिए इसको मो नहीं. इंग इंग हुआ रल नहीं,
फिर आप अभी तक जो है उस चीज क्लियर नहीं हुआ है इसमें। और यंग हाँ यंग यंग हुआ रल बोले गायो ये बॉबेल बोलो क्या गायो है? खा खायो नहीं, ये बॉबेल, ये बॉबेल, रो यो। रो बोलो खायो हाँ तो ये बॉ नहीं होगा, इसको फॉ पढ़ना है, फॉ। फोरो फोरो खायो बोलना है ना हाँ फोरो खायो तो आई गो टू वॉच ए मूवी विथ माई फैमिली, मतलब बोल रहे मैं मूवी देखने फैमिली के साथ जाता हूँ। ठीक है, ओके चलिए सेकंड पढ़िए। आई राइट अ लेटर टू माय फादर आबा जी आबा जी एक के स फेंजी फेंजीरल से सोयो देखिए ये बावेल क्या है, अभी तुरंत बताया ना, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सुधारना पड़ेगा जी। फ्योंजी हाँ आप इसको क्या पढ़े थे फ्योंजीरल पहले बताइए, फैन जी। फ्योन फ्योन फिर नहीं हाँ फ्योंजी हाँ ऐसे होगा, फी प्योन योन जी जी। जी ठीक है, आबो जी केसो प्योन जीरल सोयो मीन्स आई राइट लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने पिताजी को लेटर लिखता हूँ। ठीक है, थर्ड सेंटेंस। माय फ्रेंड्स कम कम्स बैक हम लेट आपका दोस्त जो है लेट घर आता है। ने ने छिंगुनन इसको नौ नहीं जीवे पढ़ना है, इसको अंगो पढ़ना है बोलते समय। इस नौ को अंग पढ़ना है, अंग। नेथिंग हाँ इसको ने छिंग पढ़ना है क्या छिंग ये तो ने है ही, ये छिंगू है, छिंगू तो ये नौ साउंड जो है चेंज हो जाएगा अंग साउंड में, इसका हो जाएगा छिंगू नन। छिंगुनन छिंगुनन जीबे जीबे नुतगे नहीं, ये क हो जाएगा बोलते समय। नु नु के ये भी क होगा क्या सौ सौ भी ये सौ ही तो नहीं, ये जज है, क बोलाएगा, क। होगा क्या हाँ नु नुक्के, के नुक्के गे नहीं, नुके ये भी क हो जाएगा, नुक्के। नुके ऐसे हो नुके जाएगा, नुके नुक नुक्के। ओके नुके दोरा दोरा ओ दोरा इसको थोड़ा वाह, यो ओ वायो ये बाबेल टिकटॉक है पूरा का पूरा। तोरा हो हायो चलिए चौथा पढ़िए। आई लर्न कोरियन फ्रॉम राजीव मेरा ही नाम राजीव ओके राजीव सन सिंह निमे केसा पूरा 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 पढ़िए। सन सन सिंह निमे केसा मैं केसो नहीं हुआ, इस कैसे पढ़िए, सान सैंग नीम ए केसो। सन सिंह नीम ए गे सा ओके सन सिंह नीम ए गे सा हनगु हनगु गे रल फे आ इसको फे हायो बे बे बॉ बोलना है उसको, बॉ, बे हायो बे बॉय हो। बे बायो चलिए नेक्स्ट, पांचवा पढ़िए। आई वेट फॉर माई फ्रेंड
आपने इंतजार किया फ्रेंड के लिए, रीड कीजिए। छिनगुराल, इसको गी बोलू कि अखी जी, गिदा रे यो, फिर यहाँ पे आप ये बोल रहे हो। गीता रे रेओ यो, हाँ सिक्स हंड्रेड। व्हेन डू यू डू योर होमवर्क? आप कब करते हो आप अपना होमवर्क? डे रेड कीजिए। अनसे अनसे हाँ, देखिए बावली कौन सा है। ओके ओके ऑन से ऑन ऑन से ऑन सुख छे छे छे, इसको पढ़ना है छे। ओ सॉरी ऑन जे ऑन जे सुख जे हे यो हाँ, इस ज को च पढ़ना जाते है। अरे हाँ, इस ज को च पढ़ना है, तो ये हो जाएगा सुच्चे। हाँ सुखचे हे यो। करेक्ट। आइए सातवां सेंटेंस रीड कीजिए। आई वेट फॉर माई फ्रेंड्स एवरी मॉर्निंग एट द बस स्टॉप। यहाँ जो आपने पढ़ा ना, ये वाला आई वेट फॉर माई फ्रेंड, इसी को बड़ा सेंटेंस में यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, आई वेट फॉर माई फ्रेंड यहाँ तक है ना, उसके बाद एवरी मॉर्निंग एट द बस स्टॉप रेड कीजिए। अच्छी अच्छी मादा बस बस छन के लिए इसको छन रियू सा ये सान रॉ नहीं लियू होगा, न होगा, न होगा प्रोनाउंसिएशन। छंग जोंग छंग रियू जोंग न्यू जांग सो। जंग रियू जंग ऐसा नो नो, इसको रॉ, इसको नो पढ़ना है जी, रॉ नहीं पढ़ना है, रॉ लिखना है, पढ़ना नो है। जंग न्यू बनाएगा इसको जोंग जंग जंग न्यू जंग सौ। जंगे जंगे सा छिंगुरल गीदा रियो रियो यो। आठवां पढ़िए। आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड एवरी इवनिंग। छ नियोग मादा छिंगु ए ए गयो ए गे फेन फेन जिरल हो, सयो हेलो मैडम, आई जस्ट ऐसा टोल्ड यू क्यों नो। जी फ्यान इसको जीरल। फ्योन जी रहा हाँ, सयो इसको बोलिए, क्या बोलते हैं अभी बोलिए। यो हाँ, तो यहाँ पे बोलते समय क्यों नहीं बोलते हैं? फ्योन जी रहा आइए नाइन्थ पढ़िए। When do you have your breakfast? इसको तो बोलना है ना। मियो सीओ जी ए देखिए क्या है, ये सी कौन सा भवन है? ओ यो ये कौन सा केरे इसको भवन, ये कौन सा भवन है, इसको क्या बोलते हैं? ये सी ए ए
सी ए आजिमुल आछिमुल आ मक मक ए यो इसको मक ऊपर जाएगा क्या मग मगो यो चलिए 10वां पढ़िए। स्टूडेंट हैव लंच इन द रेस्टोरेंट एक्सिंग दरी दरी सिकदांग सिकदांग ए स सिक्सारल हे यो तो ये दो नहीं पढ़ाएगा, ये तो पढ़ाएगा। सिकताक एसो सिकताक एसो आइए वर्ड मीनिंग देखते हैं फटाफट। इसको बोलिए, इसको और बोलिए। हाँ ओर्स टू हेल्प वर्ड्स के बाद इसको बोलना है, इसका मीनिंग ये है कोरियन में। दाने कौन सा वावेल है लास्ट में देखिए। हाँ इसको दाने तो बोलना है ना दाने थाली नहीं जी, का ये कौन सा वावेल है। दान हाँ तो ओ वाला एक साथ पढ़िएगा तो ये हो जाएगा दानो। ये दानो नौ नौ यहाँ आ जाएगा, बोलते समय हो जाएगा दानो। दानो नेक्स्ट रीड कीजिए। दानो टू हेल्प दोवा सुदा करेक्ट। नेक्स्ट टू डू होमवर्क वाने को सुगजेक हादा नेक्स्ट बस स्टॉप को बस सिंग रू सिंग इसको रू नहीं क्या बोलना बोला था याद कीजिए। इसको नहीं बोलना था ना ना बोलना था जंग जंग न्यू जंग लेट को नूत नूत के हाय ये भी बताए थे, अभी लिख दिए तभी बोले देंगे, तभी पढ़ा बस। नहीं नहीं ये तो होगा ना नूत के जी, ये भी बताया था, कौ होगा बोलते समय। हाँ नुके लेकिन नुके हाँ तो बताया था जी, देखता गया। पर ओके ओके के नुके ऐसे कहीं तो बताए थे, यही तो बताए, देखे बताया ना जी। हाँ हाँ चलिए, सब याद ठीक रखिए, याद रखिएगा तभी होगा, नहीं तो बताते जाऊंगा बोलते जाइए। चलिए बताइए, इसको पढ़िए। टू कम बैक दोरा दोरा बो दोरा बोदा नहीं, क्या भाव है। सॉरी दोरा ओदा छोटा दिख रहा है क्या यार, इसको जूम करूं और। नहीं अभी आज तो जूम नहीं किया फिर भी छोटा तो देख रहे ठीक है अभी ठीक टू है, लर्न फे बहुत हुदा ज्यादा ही हो गया, नहीं फिर ये आएगा नहीं, इसे से करना पड़ेगा। टू चलिए इतने रहने दीजिए। लाल बेहुदा हिंदी में पता है बेहुदा का मतलब क्या होता है? टू लाल है नहीं बेहुदा, बेहुदा हो गया, बेहुदा नहीं बोलना है, बेहू बोलना है, बेहुदा बेहुदा बेहुदा। बेउदा हाँ ऐसे बोलना है, अगर ये बोल दिए तो ऐसे कोरियन तो नहीं समझेगा, जो हिंदी वाला होगा समझ जाएगा।
है ना। चलिए नहीं वो नहीं बोला हाँ ठीक है, बेऊदा चलिए वेट इसको। वेट वेट ये इसको घी बोलना है ना खी नहीं घी घी दा ही बोलना है, रिदा घी घी गिदारे गिदा रिदा था। नेक्स्ट इंस्टेंट सोडा करेक्ट है, ये कॉन्वर्सेशन देखते हैं। पढ़िए इसको 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 भी इसको भी। कन्वर्सेशन होए हुआ वीकेंड को छू माल आइए, ये भी मेरा नाम है, ये मेरा नाम किम ब्राक सुन है। राख नहीं लाख। लाख लाख को लोबल नहीं के हाँ ये ऐसे है इंग्लिश में, ऐसे है किम LUCK लक जोन। चलिए पढ़िए, रीड कीजिए लग इसको। जी छू मारे नन छू मारे मन करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसको पढ़िए। मु मु असुल हे यो मोसल मोसल। मुसल हे यो आप वीकेंड पे क्या करते हो? ये सुहास पूछ रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ सुहास से। अब सुहास बोल रहा है क्या कर रहा है। ना नानन नानन सु सु के लिए छू मार मारे थे नी सरल छे यो छे ओहो मैडम, अभी इसको बताए ना। क्यों क्यों यो हाँ छो यो हाँ इस बार करेक्ट पढ़े। तो ये छोयो बोल रहा है नानन जुमारे तेनिसरल छोयो, तो मैं जो है वीकेंड पे टेनिस खेलता हूँ। ठीक है आइए नेक्स्ट लाइन। ने छिन गुनन छू छिन नहीं मा बोलना है इसको जी, इसको अंगवा बोलना है, छिंगू बोलना है, ने छिंगुनन। ने छिन गुनन ने छिन गुनन नौ का साउंड नहीं आना चाहिए, छिंगू छिंगू छिंग गु। छिंग हाँ छिंगू। छिंग गुनन सुमारे गी था रल बे इसको बे हायो बे हायो वो बे आयो बे बे वो वायो यो बे ये वायो कह रहा, मेरा फ्रेंड जो है वो वीकेंड पे गिटार सीखता है। आइए नेक्स्ट, अब दिलासा है, दिलासा क्या बोली देखिए। नानन छिंगुआ नो नहीं इसको बोलना है जी, अंगो बोलना है। छिंगुआ ऐसे देखिए ऐसे होता है। हाँ छिंग बढ़िया छिंगुआ छिंगुआ। हाथी हाथी मिंग आ ओहो इसको यंग यंग हुआ हाँ यंग एक मिनट यंग हुआ गुआने वायु खा खायो। यूं खायो यूं मां गुआने खायो ये कह रहा दिलासा कि मैं दोस्त के साथ फिल्म देखने जाती, उसके बाद क्या कहती देखिए। खुरी गो सीख सीख दांगे सा छा छेन गुल हाँ हाँ मक हाँ 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 हाँ
नहीं, छेन नहीं है इसको। जाने गुल गुल हाँ, इसको पढ़िए फिर यहाँ पे जान इसको। नहीं, जान यो जान कह रहे जानियो जानियो गुल इसको पढ़ेंगे छो नियोगल। जानियोंगल मक ओयो। छो नियोगल नहीं, छो नियोगल। छान्यो गल इसको रीड कीजिए। छान्यो गल मॉक ओयो एक साथ बोलिए, मोगोयो। मॉक यो मॉग मॉगयो। हाँ, आइए दीपक क्या कह रहा है देखिए। छू मारे नन छिन छिन गुआ हाँ, अरे इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, यहाँ लिखे लिखे हमें, पढ़िए इसको। छिंगुआ खास खाची इसको खाची यो हंग रल इसको पढ़िए, क्या है ये मोबाइल। यो हिंग खायो। तो दीपक कह रहा, मैं वीकेंड पे दोस्त के साथ ट्रेवल करता हूँ, ठीक है। आइए मोनिका क्या बोले देखिए। मोनिका छू मारे नन सु 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 ओ सु ओ भी इसको मॉक ओ यो बोलना है क्या। मॉक मॉक नहीं, कहाँ है मॉक, कहाँ है इसको, पॉ नहीं नहीं बोलना। ओप ओप ओ और यो ये सौ यहाँ आ जाएगा। ओप सो यो ये कह रहे हैं जुमारे नंस, वो भी अब से आज वीकेंड पे क्लास नहीं होता है तो क्या करते हैं, इसको रिव्यू। सयो खुरे खुरे स नानन जीबे स थाल इसको कह रहे थेल रे आ बी हेल्ले, जे हाँ, फेल फेल रे हेल्ले बीजियोनल, फेल रे बीजी नल हेल्ले नहीं है जी, हेल्ले, ये दोनों रॉ मिलके लॉ का साउंड होगा। थे 10 मिनट बाद, रे 10 मिनट बाद, हेल्ले बीजियोनल बोलिए। थेले बीजियो नल भायो। भायो चलो, ये कह रही है कि वीकेंड पे क्लास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, घर में बैठ के टीवी देखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, और उसके साथ में क्या करते हैं, पढ़े। तो सिख दो तो सिख दो इल आ आ इल गायो गयो। इल गायो तो कहते हैं कि उसके बाद जो है कभी बुक भी पढ़ते हैं। आइए ओके हर्षिदा बोल दे, क्या बोले देखिए हर्षिदा। छू मारे नन हक सु केरे अक सुख जीबे जीबे सौ
पाल रे रल हे ये यो दोनों रॉ मिलके है, लॉ का साउंड होगा। पाले रल पाले रल हे यो ये कह रहे हैं कि मैं वीकेंड पे घर पे जो है कपड़ा सुखाती हूँ, कपड़ा धो के, ठीक है, कपड़ा सुखाती हूँ, ठीक है। आइए, तो पंग सिंग सो हाय, देखिए नहीं ठीक इसको क्या बोलते हैं। तो पंग छे इसको छोंग छोंग सो दो हे यो पूरी मतलब हुआ, और तो मतलब और होता है, और घर की क्लीनिंग करती है, पोछा ओछा लगाती है। पूरी गो खुरी गो खुरी गो आगुल दुल ओयो थू उमागल थोरोयो। उमागल थोरो यो वो तो उसके बाद गाना भी सुनती, म्यूजिक भी सुनती। उमागल थो रोयो चलिए, कैसा लगा रीड करके, आप बताइए। ठीक हाँ हाँ है हाँ ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नहीं नहीं है नहीं अभी जो है इम्प्रूवमेंट, ये है आपको फास्ट रीड करना है, और कुछ कुछ शब्द के जो है उच्चारण ठीक करना है, ठीक है। उच्चारण हाँ, और रीड फास्ट करना है, अब स्लो रीड करते हैं ना अभी, जैसे इसको रीड करना है, खाजो गलवा गाची यो मुबारन फोरो खायो, इसको बोलने में आपको कितना कितना सेकंड लगता है, पूरा रीड करके बताइए एक बार में। खाची ये फर्स्ट लाइन है ना खाचो दूल गुआ खाची गाची गाची यंग हुआरल बोरे गुआयो कितना समय लगा, एक मिनट के अंदर और मैं पढ़ूंगा तो 2-10 सेकंड में हो जाएगा। काजल गरबा गाची हमारा परो खाए, 5 सेकंड में हो गया, ठीक है। ये इम्प्रूव करना है आपको, समझिए। ओके रीडिंग फास्ट रीडिंग करना है, फास्ट रीडिंग, अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, लटकना नहीं है, फास्ट रीडिंग करना है, क्लियर कट। तो उसके लिए आपको घर पे डेली एक चैप्टर उठाइए और रीड कीजिए, ठीक है। एक चैप्टर उठाइए, पूरा चैप्टर रीड कीजिए फास्टली, फ्लुएंटली, और क्या, लाउडली, तेज आवाज में पढ़िए। ऐसे पढ़ना है, खाजोग दलगुआ गाची यम वारल फोरो खायो, ऐसे करके पढ़ना है, समझ गए, समझे। हाँ, सर ऐसे पढ़िएगा तब जो है फास्टली फ्लुएंटली आप रीड कीजिएगा, समझ गए। मैं हर हर बार बोलता हूँ ना आपको कि रूम लॉक ओके कीजिए और 10 मिनट जो है खूब जोर जोर से रीड कीजिए, समझ गए। हाँ, 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए ना, लोग बाग छोड़े कुछ नहीं बोलेगा, 10 मिनट गेट लॉक कीजिए, 10 मिनट बोलिए, सिर्फ कोरियन बोलना है, इंग्लिश के नहीं, इंग्लिश टच नहीं करना है, कोरियन बोलना है सिर्फ, समझ गए। सॉरी चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कब है, सैटरडे को, राइट, आज थर्सडे है ना, सैटरडे सैटरडे को होगा, है ना। पहले 15 चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर टेस्ट टेस्ट जो है लेना चालू करेंगे, रिटन टेस्ट, ओके। हम लोग तो जहां तक थे वहां के बाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिर्फ टेस्ट ही होगा, समझ गए। सर
हाँ, जब कंप्लीट हो जाएगा 15 चैप्टर तो सिर्फ हम लोग टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट, ठीक है? एक दिन में दो ओके चैप्टर, सेंटेंस प्रैक्टिस, वर्ड मीनिंग करके, समझ गया? ओके ओके हाँ, नेक्स्ट क्लास में 13 चैप्टर करेंगे, ठीक है? उसके बाद 14 एंड 15, तब जो है टेस्ट लेना चालू करोगे, ठीक है? ओके सर, हाँ, चलिए मिलते हैं सेम टाइम पे 7 बजे सैटरडे। ओके। खेसे हो खमसा हमिदा अनुनिंग खिसे यो खमसा अमनीता खमसा खान संग बोलिए। सनसेंगनिम भी बोलना है आपको, ओके। अनुनिंग खिसे यो सन सिंगनिम खमसा अमनीता हाँ ऐसे बोलना है, ठीक है? नहीं तो कोरियन को बोलिएगा ना बिना इसके, तो ओके। वो अच्छा नहीं मानेगा। चलिए अनुंगी ठीक है, खेसे यो ओके। हाँ हाँ बोलिए बोलिए ओके। बोलिए, जोर से बोलिए। अनुंगी खेसे यो सन सिंगनिम खमसा अमनीदा हाँ जितना बोलिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है? बोलते रहिए, दो बार और बोलिए जोर से। हाँ अनुंगी खेसे यो सन सिंगनिम खमसा अमनीदा कर चलिए, ओके बाय।